बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है। विपक्ष तो पूरी तरह से बौखला गया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक भी ब्राह्मण सम्मेलन से आहत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। प्रदेश का ब्राह्मण वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायक असलम रायनी ने पार्टी को डूबता जहाज करार देते हुए पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाने पर कहा कि ब्राह्मण तो क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अल्पसंख्यकों सहित कोई भी समाज अब बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोहित सिंह ने भी बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को महज एक नाटक करार दिया है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद ने कहा कि ब्राह्मणों के वोट लेने की लालसा में ब्राह्मण सम्मेलन करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सवाल सम्मेलन का नहीं, सत्ता की भागीदारी और सम्मान का है। इसलिए अब बहन जी को बिना लाग लपेट के किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करनी चाहिए। इस पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने उन्हें करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग जिन जिन का सम्मेलन किए हैं सबको प्रधानमंत्री बना चुके हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी तो अब तक कम से कम 600 जाति सम्मेलन कर चुकी है। ब्राह्मण भी इंसान है, सबका सम्मेलन होता है। बेचारे ब्राह्मणों का भी तो सम्मेलन होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना है। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से विरोधियों की हवा टाइट हो चुकी है। अगर कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टियां दलित सम्मेलन आयोजित कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से इतनी बौखलाहट क्यों है? बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।